गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का साइंस की स्पेशल कक्षा में। तो बच्चे, आप सबको मालूम होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इतने समय बच्चे साइंस, और साइंस में बच्चे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पेपर में किस तरीके से साइंस के प्रश्न आते हैं। और आज बच्चे जो मैं कराने वाला हूँ ना, आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सब कुछ मिलने वाले हैं। तो एक बार बच्चे सभी लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को बेटा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से साइंस के वो प्रश्न जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, स्पेशल बच्चे बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में, और आपके बीपीएससी के एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। बच्चे जैसा आपको मैंने बताया था इस बुकों के बारे में, ये बुक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पब्लिकेशन की, तो आप सभी को मालूम है बेटा चच्छू पब्लिकेशन की ये किताबें हैं। बच्चे इस किताब में आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिक की, और बच्चे यहाँ पर बिहार जी के, और यहाँ पर बच्चे इसके लिए प्रैक्टिस सेट है। जाइए, इस वीडियो में इसका लिंक लगा हुआ है, जाकर बच्चे इसको ले लेना, ठीक है। चलिए, और आप सबको पता है ये हमारा एक मोटिवेशन कोर्स, और ये हमारा बहुत प्यारा सब्जेक्ट। देखो ये बहुत प्यारा सा शानदार बैच है बच्चे, गंगा जल बैच 2.0। भैया गंगा जल बैच 2.0 एकदम परफेक्ट और एकदम शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चे, जाकर जुड़ जाना, ऐसा बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड आपको सब मिल जाएगा बच्चे, डेली क्लास की पीडीएफ मिलेगी, 4 घंटे की स्पेशल क्लास आपको डेली मिल रही है यहाँ पर, और पूरा कंप्लीट कोर्स समय से पहले यानी आपका एग्जाम के पहले करा दिया जाएगा। ये बच्चे बैच कितने का है, 999 का है, और यहाँ पर क्या डालोगे, तो बेटा एक कूपन कोड है 900 के कूपन कोड अप्लाई कर देना, और जैसे आप इस कूपन कोड को डालोगे तो हमारे एप्लीकेशन के सभी कोर्स बच्चे पूरे 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे। तो बच्चे ये सारे बैच मिलेंगे कहाँ पर, तो फिनिक्स अकेडमी उन्नाव का ये लोगो है, नंबर आईडी डाल के बेटा रजिस्टर्ड हो जाना। कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, सारे के सारे कोर्स में बच्चे डिस्काउंट चल रहा है। और क्या कूपन कोड लगाओगे, 900 के, क्या डालोगे, 900 के, और हाँ ध्यान रखना 900 और के बीच में स्पेस नहीं देना, आपको स्पेस नहीं देना। चलिए तो भैया सभी लोग आ जाओ, बहुत बेहतरीन से पढ़ने वाले हैं, और एक बार सभी लोग सेशन को बेटा लाइक करेंगे। और हाँ, अब आपके सामने लग चुके हैं साइंस के वो प्रश्न बच्चे, हमारी टीम ने मिलकर बच्चे इन क्वेश्चन को निकाला। बिहार पुलिस में जितने भी पेपर हुए हैं, बिहार दरोगा के जितने पेपर हुए हैं, बीपीएससी के जितने पेपर हुए हैं, उन सब में साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए वो सब मैं निचोड़ लेकर आया हूँ। आप पूछो सर क्या लेकर आए हो, तो आप लोगों के लिए साइंस के उम्दा प्रश्न लाया हूँ, और बच्चे आप सभी लोग जुड़ जाएं बेहतरीन तरीके से। और हाँ, जैसा कि कल बच्चे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा नहीं, आपको लाइक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल कदापि आप लाइक ना करें, क्योंकि लाइक करने से आपका बच्चे कुछ बजट कम हो जाएगा, दिक्कत आ जाती है ना लाइक करने में, बिल्कुल मत करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत प्यारा सा प्रश्न है बताना, लिखा हुआ है आपके सामने, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। रक्त परिसंचरण मतलब बोलते हैं जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो भैया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किसने किया बताओ जल्दी से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बेटा स्टडी किसने किया, अध्ययन किसने किया, इसका राइट आंसर बताना था। और जितने भी बच्चे आप हमसे पढ़ रहे हो ना, तो सभी लोग बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, आंसर जरूर बताया करो, क्योंकि ये सब बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण का बच्चे अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। इन्होंने ही बताया था बच्चे कि जिन, याद रखना विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, और ये किया था 1628 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में बच्चे ये इन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब पेपर में आएगा कि बच्चे
रक्त यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, जल्दी से बता दो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो आप कहोगे सर जी ब्लड ग्रुप यानी जिसको कहते हैं रक्त समूह या रक्त वर्ग, तो रक्त वर्ग की खोज किसने की जल्दी से बताओ। तो भैया ब्लड वर्ग या रक्त समूह की खोज किसने की, आंसर करिए। तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप की जो खोज किया था ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसकी खोज किसने की बच्चे, तो लिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने बच्चे ब्लड ग्रुप की खोज किया, लिख लो। अब पेपर में आएगा इन्होंने कौन से ब्लड ग्रुप की खोज किया था, तो ब्लड ग्रुप बेटा इन्होंने ए को खोजा, ब्लड ग्रुप बी को खोजा, ब्लड ग्रुप बच्चे ओ को खोजा। तो यानी ये तीन ब्लड ग्रुप को खोजने का श्रेय किसको जाता है, रक्त वर्ग की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने कौन से ब्लड ग्रुप को खोजा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ को खोजा। अब पेपर में आएगा कि सर ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, तो ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा आंसर करो, ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा इसका राइट आंसर बताइए। तो भैया ए बी ब्लड ग्रुप की जो खोज किया था ये किया था बच्चे वीनर ने। वीनर न लगा के आंसर लगाना डक्टेलो स्टूली, ये किया था डक्टेलो स्टूली नामक व्यक्ति ने बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप की खोज। लिख लेना क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ रहे हो और ये किताबों में बच्चे बहुत अध्ययन करोगे तब मिल पाएंगे बेटा, तब मिल पाएंगे। तो डक्टेलो स्टूली, अब देखो आपसे पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार का ब्लड पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है बताओ। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार का बच्चे ब्लड ग्रुप होगा, तो भैया अलग अलग मनुष्य में अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, तो मुझे बताओ मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 8 प्रकार का, क्योंकि ये 4 आपके पॉजिटिव होंगे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ ए बी, ये 4 पॉजिटिव होंगे और 4 इनके निगेटिव हो जाएंगे, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब पेपर में आएगा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं, सर्वदाता मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है आंसर करो, जल्दी से बेटा आंसर करिए कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों आंसर कर दो। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, आंसर लगा लेना ओ ब्लड ग्रुप को, और ओ में पॉजिटिव को कहेंगे या निगेटिव को, तो लिख लेना ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है बच्चे। अब पेपर में आएगा सर्वग्राही किसको कहते हैं, सर्वग्राही का मतलब है ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबका ब्लड ले सकता है, मतलब सबका ग्रहण कर ले, सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, वो कौन सा होता है, तो भैया आप कहोगे ब्लड ग्रुप ए बी, और ए बी में पॉजिटिव बोले या निगेटिव, तो आप कहोगे पॉजिटिव वाला होता है बेटा सर्वग्राही, और भैया निगेटिव वाला होता है सर्वदाता। सारे क्वेश्चन भाई एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बता के चलूँगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बता के चलूँगा। पंकज एक बार बेटा वीडियो को सभी लोग शेयर करो, बच्चे शेयर करो जल्दी से। अब आओ दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है, भैया दिल की धड़कन जो हार्ट बीट होती है दिल की धड़कन को कौन बताता है, तो आप कहोगे पेसमेकर, कौन बताता है पेसमेकर, याद रखना इस पेसमेकर का काम है जो दिल की धड़कन को बताता है। अब पेपर में आएगा कि हमारा शरीर बच्चे एक मिनट में कितनी बार बच्चे धड़कता है, हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार बच्चे धड़कता है, तो एक मिनट में बेटा 72 बार, एक मिनट में 72 बार मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना एक मिनट में 72 बार, और एक धड़कन का टाइम पीरियड आता है 0.8 सेकेंड, एक धड़कन का समय पूछे तो आप कहोगे 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ये वैल्यू कहाँ से आई, आप एक मिनट बराबर 60 सेकेंड आप जब काटोगे ना तो ये वैल्यू 0.8 सेकेंड आएगी, याद रखना आसानी से बता सकते थे, ऐसा आपको पूरा डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। हम बच्चे
टिक कराने नहीं आए, हम आपके दिल और दिमाग में सेट कराने आए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त आपको आपकी दिली इच्छा किया करे ना तो सेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ। आप बिहार के 38 जिलों से कोई ना कोई एक बच्चा देख रहा होगा, तो आपका कर्तव्य आपकी ड्यूटी है कि अगर आप चैनल में आओ तो सबसे पहले इस चैनल को 1 लाख तक करो, पहले ये पहला काम है। तो जो भी बच्चा नया आया हुआ है तो भैया जाकर बच्चे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर दिन आपको बेटा नया अपडेट देखने को मिलेगा और हर दिन जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जरूर ज्वाइन करो, ठीक है? चलो आ जाओ। अगला है आपके सामने ये बम रखा हुआ है, लिखा हुआ है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ये बेटा फिजिक्स का प्रश्न है, आंसर बताओ हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर बताइए। तो बेटा जो हाइड्रोजन बम है, पहले तो इसकी खोज लिख लो। हाइड्रोजन बम की जो खोज किया था, ये किया था एडवर्ड टेलर ने, तो एडवर्ड टेलर नामक व्यक्ति ने हाइड्रोजन बम की खोज की। अब पेपर में आएगा हाइड्रोजन बम ये जो कार्य करता है, ये करता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में, अहम रोल निभाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखना। अब पेपर में आएगा एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण बताओ, पहले बाद में देखना। तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर जब भी पेपर में आ जाए कि एक होता है एटम बम यानी परमाणु बम, तो परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो परमाणु बम की खोज किया बच्चे आप कहोगे परमाणु बम की खोज किया था ऑटो हान ने। ऑटो हान ने बेटा परमाणु बम की खोज किया। अब पेपर में आएगा ऑटो हान ने परमाणु बम एटम बम को खोजा। जो परमाणु बम है, परमाणु बम बच्चे सिद्धांत किसने दिया, जब भी पेपर में आए कि परमाणु बम की थ्योरी किसने दी, तो ये दिया था ओपेनहाइमर ने, तो जब जब पेपर में क्वेश्चन आए तो उसी तरीके से आपको बच्चे यहाँ पर बताना होगा। जब खोज पूछे इनकी डिस्कवरी किसने की, तो ऑटो हान ने, और सिद्धांत किसने दिया, ओपेनहाइमर ने दिया। इसका राइट आंसर दोस्तों बता सकते थे। अब लिखा एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल होती है, या बच्चे बारिश होती है तो बरसात का बच्चे जब बूंद पृथ्वी पर आती है तो ये गोल समझ में आती है, वो कौन से गुण के कारण, आपने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से लिख लो, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव की वजह से। क्लियर है? बहुत शानदार तरीके से बता सकते हो। पृष्ठ तनाव बहुत सारी घटनाओं में लगता है, जैसे आप कभी नॉर्मल पानी में कपड़े डालो धुलने में तो कपड़ा बेटा आपका डूबता नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पानी का बेटा ऑलरेडी पृष्ठ तनाव ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए आप उस पर डिटर्जेंट मिला दो, तो डिटर्जेंट मिलाने से भी पृष्ठ तनाव दूर हो जाता है। पानी को गर्म करोगे तब भी पृष्ठ तनाव दूर हो जाता है। अगला बच्चे, पृष्ठ तनाव को दूर करने के लिए बच्चे आप कोई भी अशुद्धि पानी में डाल दो, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाने पर भी पृष्ठ तनाव घटेगा। बच्चे ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो। चलो क्लियर है सभी को? स्क्रीन शॉट जिसको लेना हो ले ले, आओ अगले क्वेश्चन पर। हाँ लाइक बिल्कुल ना करो, लाइक नहीं करना, कसम खाओ। लिखा जल में घुलनशील विटामिन बताइए, ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है। बच्चे बड़े आसान से बताया था कि बेटा विटामिन जो हैं ये बी और सी, विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के हैं और जितने आपके सी के हैं, वो सब के सब जल में यानी पानी में घुल जाता है। जैसे आपने पढ़ा है विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, जब भी बेटा नींबू पानी में डालो तो नींबू घुल जाता है, ऐसे याद कर लेना। अब पेपर में आएगा जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, तो विटामिन की खोज किया था फंक ने। किसने? फंक ने। विटामिन की खोज किया फंक ने, नाम किसने दिया कि ये विटामिन है, तो विटामिन नाम दिया था लूनिन ने। नाम किसने दिया तो लिख लेना, विटामिन नाम दिया लूनिन ने।
फिर अगला प्रश्न आएगा विटामिन की परिभाषा किसने दी, तो विटामिन की डिफिनेशन देने का श्रेय जो जाता है ये जाता है हॉपकिंस महोदय को, हॉपकिंस को। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके विटामिन के जो पूछे जाते हैं आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने बता दिया। आपकी दिली इच्छा करे तो आप बच्चे पढ़ो, ना करे तो घर बैठो। अगला है पृथ्वी की कक्ष, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ये झुकाव किसकी वजह से। पृथ्वी का बच्चे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस यानी अक्ष पर 22.5 डिग्री, बच्चे याद कर लेना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी है। क्लियर है, 23.5 डिग्री बेटा झुकी हुई है। अब देखो अपने अक्ष पर झुकी हुई है ये किस घटना के कारण, तो इसका राइट आंसर आप बताओगे, वो झुकी हुई है आपके पृथ्वी के मौसम के बदलाव के कारण। लिख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के मौसम के बदलाव के कारण। बदलाव के कारण, क्लियर है, आसानी से बता सकते हो, आसानी से कर सकते हो। भाई वीडियो देखो, बहुत टीचर मिल जाएंगे तुमको बेवकूफ बनाने वाले, ठीक है। जो पढ़ाऊंगा ना क्वेश्चन, दावे के साथ कह सकता हूं जरूर फंसेगा, फंसा नहीं तो बेटा मेरी मेहनत बेकार है, 100% गारंटी है सारे क्वेश्चन फंसेंगे। बस आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को फैला दो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा जल्दी से वीडियो को शेयर करो, और दिली इच्छा करे तभी लाइक करना, अन्यथा कोई बात नहीं, क्योंकि आप देखते जितने उतने लाइक नहीं आते हैं। आ जाओ, लिखा है कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला। भैया जल्दी बता दो, ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक है जिनको फिजिक्स का नोबल पुरस्कार मिला है, बोलो भाई फिजिक्स का नोबल पुरस्कार प्राप्त किया, आंसर करो। भौतिकी का नोबल पाने वाले बच्चे व्यक्ति का नाम बताइए। सभी का राइट आंसर आज आ गया होगा, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। बेटे जो डॉक्टर सीवी रमन है इनको फिजिक्स में, बच्चे लिख लो, भौतिकी का नोबेल मिला था, इन्होंने बताया था प्रकाश, लिख लो, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया, रमन प्रभाव दिया था बाबू, रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में नोबेल दिया गया, नोबेल। नोबेल पुरस्कार बच्चे किसकी याद में दिया जाता है, तो आप कहोगे अल्फ्रेड नोबेल जी के यादगार में देते हैं, अल्फ्रेड नोबेल। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने किसकी खोज किया, तो बच्चे आपने पढ़ा होगा डायनामाइट, डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज किसने किया, तो आप कहोगे अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट बना किसका होता है, तो बना होता है बेटा TNT का। TNT क्या है, तो TNT बेटा याद रखो जिसको कहते हो ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, जिसको कहा जाता है ट्राइनाइट्रोटाइलुइन। आंसर आप आसानी से बता दोगे ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, बेटा TNT इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो भाई इस तरीके जब पढ़ोगे ना अलग लेवल की तैयारी होगी, शानदार। अगले में आओ, लिखा है किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो न्यूटन से पहले वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं या अट्रैक्ट होती हैं, तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। इसका राइट आंसर बता देना, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्लियर है आंसर, चलो वीडियो को लाइक कर दो बाबू। सर आज हमको आने में ज़्यादा टाइम लग गया, नायक गेमिंग। तो देखो आने में टाइम जिसको लगा हो, सूरजप्रीत कह रहे हैं गुड इवनिंग सचान गुरुजी, खुश रहो बेटा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दे दिया जाता है, बिल्कुल बहुत शानदार प्रेम। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से, 500 पार करो फटाक से। चलो लिखा है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है, जल्दी से बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। हर वो प्रश्न मैं लाया हूँ जो NCERT में पूछा गया, जो पेपर में
लिखा धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है, बोलो। तो भैया धान का जो खैरा रोग है ये होता है जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। ZN बोलते हैं जिंक को, तो ये जिंक की कमी से होता है। तो पेपर में आएगा जो धान है, धान का बेटा वनस्पति नाम बताओ, धान का बॉटेनिकल नेम क्या होगा, बोलो। तो धान का बॉटेनिकल नेम होता है ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा सैटाइवा। किसका बच्चे वनस्पतिक नाम है तो आप कहोगे ओराइजा सैटाइवम, किसका वैज्ञानिक नाम है, धान का। धान के खेत से बच्चे कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से जो गैस निकलती है वो निकलती है बेटा CH4 मीथेन। पेपर में कई बार आया कि मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, धान के खेत से निकलती है। अगर बेटा मीथेन धान के खेत से निकलती है, अगर बेटा मीथेन धान के खेत से निकलती है, अगर धान का खेत ना हो तो मीथेन दलदली स्थानों से भी निकलती है जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा होता है। तो दलदली स्थानों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। अब आप गाँवों के रहने वाले हो तो गोबर गैस बने हुए हैं, तो गोबर गैस प्लांट से भी निकलती है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है, तब भी कहोगे मीथेन। अब पेपर में आया मीथेन, बेटा याद रखना। अब मुझे बता दो, नाम सुना होगा CNG का, देखा होगा आप लोगों के यहाँ घरों में गाड़ियाँ होंगी CNG, तो हम लोग बेटा डीजल पेट्रोल की जगह CNG को यूज कर रहे हैं, CNG को प्रिफ्रेंस दे रहे हैं, CNG की प्राथमिकता बढ़ गई। तो CNG में आखिर है क्या, तो भैया लिख लो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, फुल फार्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेटे CNG में याद रखना मीथेन गैस होती है, मीथेन। अब चेक कर लो, कार्बन इसमें एक मालिक्यूल है, हाइड्रोजन के चार हैं, और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तभी तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया। तो CH4 यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बेटा क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। चलो प्रेम मैंने नहीं बुला किया, अनोखी ठाकुर आ गई हैं। बेटा अनोखी वीडियो को शेयर कराओ बेटा, बेटे बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलो लाइक कर दो एक बार, सभी लोग शेयर करो भाई, सेशन को शेयर करो, अच्छा लग रहा हो शेयर करो। अगला है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जनाने में मदद करता है, ये कल वीडियो में आया था। लिखा है कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो भैया हमारे शरीर में है कौन सा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन अगर ये थक्का बना रहा है, एक इसी में आ जाएगा फाइब्रिनोजन। ये सारी प्रोटीने हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करती है, फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीने ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, लेकिन ब्लड को रोकती कौन है, जमने से रोकती कौन है बताओ, जमने से बेटा रोकती कौन है, तो बता देना जमने से रोकती है कौन सी प्रोटीन, तो आप कहोगे हीपेरिन। जमने से रोकती कौन है प्रोटीन, आंसर लिख देना हीपेरिन, आंसर लिख देना बेटा हीपेरिन। बहुत शानदार पढ़ रहे हो बेटे, चलो क्लियर है, आ जाओ अगले प्रश्न का जवाब दो आके। आपकी मोहब्बत की वजह से पढ़ा रहा हूँ, इतने पसीने में कौन पढ़ाता है भाई, हम डेली पढ़ा रहे हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते आपका, एक भी दिन मिस नहीं करते। और तुम फिर अपना प्यार नहीं देते हो तो फिर कैसे बनेगा, प्यार करो बाबू। चलो वीडियो को शेयर करो, शेयर करो बच्चे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 500 पार करो जल्दी से। देखो जितने लोग हैं एक बार सभी लोग 500 पार करो, फिर आगे बढ़ें। लिखा है कौन सी जहरीली गैस हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है,
बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताओ। तो भैया वो है जहरीली गैस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लेना। वो कौन सी गैस है लिख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप कहोगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये सर जी बनती कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती कैसे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बच्चे बन कैसे जाती है, दम घुटने वाली गैस। तो भैया हम क्या था कि सर्दी के दिनों में कमरा बंद था, बंद कमरे में बेटा आप कच्चा ईंधन जलाने लगो, बंद कमरे में कच्चा ईंधन जलाओगे। भैया जरूरी नहीं है उगाना है बंद कमरे में प्यार करेंगे, प्यार ही नहीं करते हैं हम, कच्चा ईंधन जला रहे हैं। तो बंद कमरे में कच्चा ईंधन जलाने से, बंद कमरे में कच्चा ईंधन जलाने से कमरे में कच्चा ईंधन जलाने से बेटा, कच्चा ईंधन जलाने से कौन सी गैस बन जाती है। तो लिख लेना, जलाने से CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। तभी तो कहते हैं बंद कमरे में कच्चा ईंधन नहीं जलाना चाहिए, कच्ची लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, उससे जो उत्पन्न धुआं उत्पन्न होता है वो दम घुट देता है। दम घुटने वाली गैस है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको नोट कर लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घुटने वाली या जहरीली गैस कहते हैं। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। तो झरने से कोई झरने से जल अगर ऊंचाई से बच्चे गिर रहा है तो वो घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। भैया मेरे बाबू ऊंचाई से गिरेगा जल तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो याद कर लेना ताप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ जाता है, लिख लो, बढ़ जाता है, लिख लो भाई। क्लियर है, इसका राइट आंसर आपको बता दिया। देखो यार ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जांपल बता दीजिए, क्या बता दें यार। तुम चाहते हो हमको सब करा दें फ्री में, कुछ दिन बाद बेटा हम भी बंद कर देंगे। नहीं, हमारा तुम्हारा साथ बहुत दिन रहा, ठीक है, क्षमा करिएगा यार, हम जान लगा दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए हम पागल हो गए हैं पढ़ा पढ़ा के, लेकिन तुम शेयर नहीं करते हो यार, तब बुरा लगता है, यहाँ दिल में चोट लगती है। क्रिस मिश्रा कह रहे हैं सर आपके हम पूरे क्लास का नोट बनाते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, चलो शानदार, कोई बात नहीं। लिखा चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू शरबत नहीं पी सकता, कितनी अच्छी बात है, हमको भी कोई नींबू शरबत पिलाए। लिखा है चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों, क्यों नहीं पी सकता, क्योंकि भैया चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। लिख लो, चंद्रमा में सुधांशु नहीं है, लिख लो, यानी सुधांशु पर्यायवाची होता है चंद्रमा का, तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, लिख लेना बेटा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, जल्दी से बता दो, ऐसा कौन सा जीव है जो स्किन यानी त्वचा से सांस लेता है, आंसर बताओ। त्वचा से सांस कौन लेता है, इसका राइट आंसर बता दो। मिस कह रहे हैं सर क्लास बंद मत करिए, बेटा बंद करने का एक ही लॉजिक है, पागल थोड़ा है यार तुम्हारा, यार वैकेंसी पेपर खोपड़ी में लगा है और तुम भैया अपना मूवी देख रहे हो, अपना निजी का काम कर रहे हो। हमारी क्लास 6:15 में होती है तो एक बार दिमाग में सेट कर लो टाइम। तुम्ही ने कहा था 3 दिन साइंस पढ़ाना, 3 दिन बिहार जी के, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तुम बेटा कम पढ़ रहे हो, नहीं बात ऐसा नहीं बनता है, शेयर करो। तो बेटा आंसर लगा लेना केचुआ, केचुआ बेटा याद कर लेना, त्वचा से सांस लेता है। अब पेपर में आएगा केचुआ किस संघ का प्राणी है, केचुआ किस संघ में आता है, तो लिख लेना
केचुआ लिख लेना बेटा, ये एनी लीडा संग में आता है, एनी लीडा। तो जब भी पूछा जाए केचुआ किस संघ का प्राणी है तो बता देना एनी लीडा संघ का प्राणी है। केचुआ किस संघ में आता है? एनी लीडा में। केचुआ के बेटा शरीर जो है वो खंडों में बटा होता है, शरीर बेटा खंडों में बटा होगा, लिख लो, केचुआ का शरीर खंडों में बटा होता है, केचुआ का शरीर खंडों में बटा होता है। अब पूछा जाएगा चलो वॉइस नहीं आ रही, अब देखो आप चेक करो वॉइस आ रही होगी। मेरे बेटे वॉइस चेक करें, लिखा है शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, मतलब हमारे शरीर के भीतर जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसको कितना समय लगता है ब्लड को घूमने में या ब्लड को सर्कुलेट होने में। तो हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट होने में जो समय लगता है ये लगता है बेटा 23 सेकेंड का, लिख लो 23 सेकेंड का समय लगता है। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? रक्तचाप को, या ब्लड का टेम्परेचर किससे मापते हैं बताइए? ब्लड प्रेशर या ब्लड का टेम्परेचर को किससे मापा जाता है जल्दी से बता दो, ब्लड प्रेशर को या ब्लड टेम्परेचर को किससे मापते हैं? तो देखो थर्मामीटर से हम लोग अपना ताप मापते हैं, लेकिन ये ब्लड का टेम्परेचर पूछा गया है तो लिख लेना ये मापते हैं स्पैग्नो मैनोमीटर से, स्पैग्नो मैनोमीटर से। फिर अगला आएगा, अगला पूछा जाएगा रक्त का जो दाब होता है ये कितना होता है ब्लड प्रेशर? तो रक्त दाब जो होता है आसानी से बताओगे ये होता है 120/80, मतलब 80 से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और भैया 120 से ज़्यादा और 80 से कम नहीं होना चाहिए। 80 से आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा और 120 से बेटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 80 से 60 बचा तो आपको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, 80 से मान लो 60 बचा तो उसको कहेंगे लो ब्लड प्रेशर, आपका बीपी लो हो गया। और भैया अगर 120 से ज़्यादा हो गया, 135-40 हो गया, कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ऐसे बता सकते थे, ऐसे कर सकते थे। अब पेपर में आएगा ब्लड प्रेशर को इससे मापते हैं। अब पूछा जाए कि भैया जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब इसको किससे मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को बेटा बैरोमीटर से मापते हैं। अगला है जो भी गैसें हैं गैसों का दाब किससे मापते हैं? आंसर करो, गैसों का दाब मापते हैं बेटा मैनोमीटर से, मैनोमीटर से। अगला डेसिबल क्या है, यानी डेसिबल किस क्या मापता है? तो डेसिबल बेटा लिख लो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, हमारी आवाज कितनी तेज है या धीमी है ये बताता है डेसिबल। ध्वनि की इंटेंसिटी ध्वनि की तीव्रता को बताता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है डेसिबल। पेपर में आ जाए कि डेसिबल से बच्चे बड़ा मात्रक बताओ ध्वनि की तीव्रता का, तो डेसिबल से बड़ा है बेटा बेल,
बेल भी बेटा ध्वनि की तीव्रता को बता देगा। बेल बच्चे, बेल भी ध्वनि की तीव्रता को बताता है और डेसिबल भी बताता है। और बड़ा कौन है? बेल। और छोटा कौन है? डेसिबल है बाबू, डेसिबल है। चलो रंजन, रामकरण साउंड, अरे वॉइस आ रही है बाबू, साउंड साउंड साउंड। चलो बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा होगा सेशन को। एक बार बेटा हमारा दिल तोड़ दिया यार तुमने, हमने तुमसे कहा कि 500 प्लस करो लेकिन वो भी नहीं किए, कल तो 600 प्लस किए थे, गलत बात है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। यह बताओ एनके नीलेश भाई, क्या मैं कारण बताने के लिए आया हूँ? पढ़ाऊ नहीं तुमको, कारण बताऊँ कि कौन क्या नहीं कर रहा है? अच्छे अजीब व्यक्ति हो, बहुत अच्छा लग रहा है सर गुरुजी आपसे पढ़ के। सूर्या, आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल करिए, पूछिए, वहाँ हम आपको बताएंगे, क्लास डिस्टर्ब होगी बाबू, खुद समझो। अगला लिखा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या होता है? भाई उठा कर देख लेना, जो भी प्रीवियस ईयर के दरोगा का क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट फार्मूला होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट सल्फेट के विलयन में बिजली की वाहक क्या होती है? वाहक मतलब दर, बताओ भैया। यह हमेशा उसके चार्ज में यानी आयन में डिपेंड करेगी, लिख लेना बेटा। लिखा है, मानव शरीर में प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है कौन सी धमनी में? तो लिख लो ये बेटा, बाएं सिरे से जाता है ब्लड हमारे शरीर में, बाएं सिरे से। अगले पर आओ, लिखा है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश? भाई करंट से क्वेश्चन उन्होंने उठा लिया, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा बच्चे यूज कौन करता है, योगदान कौन कर रहा है? तो ये यू कर रहा है बेटा USA, लिख लो, अमेरिका कर रहा है, अमेरिका। लिखा है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? उनको हम क्या कहा जाता है बेटा? उनको कहा जाता है प्रवासी पक्षी, प्रवासी, प्रवास कर गए मतलब एक देश से दूसरे देश निकल गए, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। क्लियर? बहुत शानदार। चलो बेटा एक बार शेयर करो सभी लोग। अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, बताओ। लिखा है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप, इसका राइट आंसर बताओ। जल का सबसे शुद्ध बेटा बताओ, तो भैया सबसे शुद्ध बेटा होता है वर्षा का जल यानी बरसात का जल, तो लिख लो वर्षा का जो जल है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, याद रखना। अब पेपर में आएगा, सर जी पीने वाले पानी का बताओ जरा, जो पीने वाला पानी है तो पीने वाला पानी का फार्मूला बताओ, पीने वाला जो पानी है उसका फार्मूला होता है H2O, याद रखना। जो पानी पिया नहीं जाता है जिसको कहते हो खारा पानी, खारा पानी या भारा, बच्चे भारी जल जिसको कहते हो, खारा जल या भारी जल, इसका फार्मूला बताओ, बोलो भैया। D2O। क्लियर है? ये फार्मूले पेपर में बार बार रिपीट किए गए, याद कर सकते हो आप बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलो देखो ये सब प्रीवियस ईयर है और तुम सब पागल हो, तुम पागल हो यार, कह इसलिए पागल हो बाबू कि आप बेटा 70 नंबर आपके बिहार पुलिस में GK GS के आने, और तुमको हम क्या बताएं कि आपके 30 प्रश्न साइंस के ही आते हैं, 30 प्रश्न साइंस से ही पूछे जाते हैं, और जो आप तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे साइंस से, आपके क्वेश्चन कैसे सही हो जाएंगे? तुमको पढ़ाने में तकलीफ लगती है, अरे हम सर जी गर्मी में हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको बड़ा कष्ट लग रहा है, हमारी मम्मी बीमार, हमारे पापा, तो बच्चे जीवन में सिर्फ दुखड़ा रहोगे। ठीक है,
कहते हैं मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये मोटिवेशन कोर्स आज आपको मैंने पढ़ा नहीं तो क्या जुनून नहीं आया आपके अंदर? सुन लो, अब लिखा है, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनों के खातिर बाबू पढ़ लो, सपनों को साकार करने के लिए अपनों के खातिर बच्चे आपको पढ़ना होगा। यानी अपनों यानी अपने माता पिता के लिए आपको पढ़ना होगा। बच्चे आपके अंदर वो आग लगनी चाहिए, आपके अंदर आग लग नहीं रही तो जरूर डॉक्टर को दिखाओ जाके, कोई ना कोई बीमारी है। आपके अंदर जब जुनून नहीं आ रहा पढ़ाई को, बच्चे पेपर तुम्हारा नवंबर में आ रहा है, जून बीत चुका है, आज बच्चे 27 जून है, जुलाई अगस्त सितंबर, अरे भाई कितना समय कम बचा है। और जाग जाओ शेरो, ऐसी तैयारी कहीं नहीं मिलेगी, पूरा फ्री में डिक्टो आपको बच्चे मिल जाएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन आप मेरी क्लासों में पाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो हाथ धोकर पढ़ जाओ बाबू। ये बच्चे ये वो सैनिक है जो अपनों के खातिर, जो हम लोग घर में चुप हैं, रजाई ओढ़े बढ़िया मोबाइल चला रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की है, ठीक है। ये तपती दोपहर में भरी बरसात में बच्चे डटे हुए आपकी सेवा कर रहे हैं, क्या आपको भी इन पर गर्व है? गर्व है तो लाइक कर दो एक बार। चलो भैया, लिखा है मानव में पाचन क्रिया कहाँ पे आरंभ होती है? बड़ा सरल है, पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से, लिख लो, मुख गुहा से प्रारंभ होती है, बक्कल कैप्टी से, लिख लेना। अगला है सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 5% घट जाता है, जितना है उसका 5%, क्योंकि हमारे सभी अंग बच्चे कार्य करते हैं जब हम कार्य करते हैं, लेकिन बच्चे क्या होता है कि जब हम आराम करते हैं तो हमारा हृदय को छोड़ करके सारे अंग आराम करने लगते हैं, तो भैया ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब आप ऊंचाई में जाते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और सोते समय घटता है। बिल्कुल प्रेम, मजा आ रहा है, बहुत शानदार, लाइक वाइक करते रहा करो और शेयर करते रहा करो। लिखा है मानव रक्त का पीएच मान, बाबू आसान क्वेश्चन है, लिख लो, 7.4 होता है, और ये बेटा 7 से ऊपर वैल्यू है तो कैसा नेचर होगा? छारी। अब देखो इतना तो मास्टर सबको ही पढ़ा देता है कि बाबू लिख लो ब्लड का पीएच मान 7.4, लेकिन कोई आज दिन तक ये नहीं बताया होगा कि छारी है तो किसकी वजह से, छारी है तो किसकी वजह से। जैसे तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा हो तो जरूर तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की आई होगी, तभी तो बच्चे आपने अफेयर किया। ऐसे ही बच्चे ये क्वेश्चन है कि अगर ये छारी नेचर का है तो किसकी वजह से बताओ। तो आप कहोगे सर जी हमारे ब्लड में मिला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन मिला होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा, यही जो तुम लोग भटूरा खाते हो ये वही है जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, और ये खाने वाला सोडा है, ये खाने वाला सोडा है। फार्मूला लिख लो NaSCO3, NaSCO3, और इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा। हलवाई इसी सोडे को मिठाई बनाने में यूज करता है, बेकिंग सोडा है, बेकरी में यूज करते हैं, केक में बच्चे इसका यूज किया जाता है, और यही जब तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गैस बन रही होती है तब इसको खाने से बेटा पेट में आपका आराम मिल जाता है, ठीक है। चलो बहुत शानदार, मजा आ रहा है, चलो बहुत शानदार बेटे। ममतेज सिंह कर आपकी पढ़ाई मजा आ जाती है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शानदार। तो सारे प्रश्न आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं, आओ अगले पर आओ। लिखा है सोडा वाटर, तुम लोग पीते रही हो सोडा वाटर, तो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं क्यों? भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ जल्दी से। लिखा हुआ है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं क्यों, बताइए जल्दी से।
भैया बड़ा आसान है, नींबू का रस बेटा याद कर लेना, एसिड होता है, और आल रेडी बेटा सोडा है, सोडा में बेटा छार है, छोड़ा में बेटा क्या मिला है, छार, और नींबू में बेटा अम्ल मिला है, और अम्ल व छार बच्चे दोनों मिलेंगे ना तो बुलबुले ही तो देंगे, बुलबुले ही तो देंगे, याद कर लेना, सोडा है छार और नींबू में है अम्ल, और दोनों मिलेंगे तो बुलबुले ही तो देंगे, क्या देंगे, बुलबुले देंगे बच्चे। लिखा हुआ है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या क्या बना लेता है, आंसर करो, ये वायु से क्रिया करके बच्चे क्या बना लेता है, बोलो। तो आप सभी को पता है, बड़ा आसानी से मैं बताता हूँ, एप्पल जो सेब होता है बेटा, इसको कुछ देर तक काट के रख दो तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, इसका राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड, ये हवा के उपस्थिति में बेटा आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ये ऑक्साइड बनाएगा किसका, आयरन का, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से उम्दा पढ़ रहे हो, बेहतरीन पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा होगा आपको। अगले में आओ, लिखा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन बताओ। भैया पहले तो ये देखो, जो थायराइड ग्रंथि है हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पेपर में आएगा थायराइड ग्रंथि में किसकी कमी से थायराइड कैंसर होता है, तो आप कहोगे आयोडीन की कमी से। अगर आपके बॉडी में बेटा आयोडीन की कमी है तो बेटा याद रखना, एक रोग हो जाता है जिसको कहते हो घेंगा रोग, ग्वाइटर डिसीज, या इसको कहते हो ग्वाइटर डिसीज, ग्वाइटर बीमारी। क्लियर है, उम्दा पढ़ रहे हो बेटा। लिखा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाला हार्मोन बताओ, तो वो कौन सा है, उसको कहते हैं इसी को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। लिखा है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बेटा बदलता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में, लिख लेना, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है बेटा अमीनो एसिड। क्लियर है, चलो अगले में आओ। लिखा है मुख से निकली लार पाचन करती है बताओ, जो मुंह से बेटा लार निकलती है, सिलाइवा निकलती है, तो देखो ये पाचन करती है मंड का। अब पेपर में आएगा जो लार है, लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच वैल्यू कितनी होती है बताइए, जैसे पानी का पीएच वैल्यू 7 होती है, पानी हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, लेकिन पूछ लिया जाए लार, सिलाइवा, लार का पीएच मान बताओ जल्दी से, सिलाइवा का पीएच मान जल्दी से बताएंगे बहुत शानदार तरीके से, चलो जल्दी से आंसर बताइए, बहुत उम्दा, जल्दी से बताओ। तो लार का जो पीएच मान है वो होता है 6.2 से 6.8। अब देखो ये कैसा नेचर आएगा, 7 से कम है तो याद रखना क्षारी नेचर का है, लार हमारा कैसा है, क्षारी है। पेपर में आएगा लार को पचाने वाला एंजाइम बताओ, लार को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, लार का पाचन करने वाला एंजाइम बताइए, तो आप कहोगे वो है एमाइलेज, या इसी को कहते हैं टाइलिन, टाइलिन इसी का दूसरा नाम है, लिख लो सिलाइवरी एमाइलेज। क्लियर। लिखा है रानी खेत बीमारी फैलती है बताओ,
तो जो ये रानी खेत बीमारी फैलती है एक वायरस के द्वारा, और ये रानी खेत बीमारी किसको होती है? मुर्गियों को। लिख लो, यह मुर्गियों को होने वाली बीमारी है। सबसे खतरनाक बीमारी है बेटा, पूरी मुर्गी का फार्म हाउस तक बेटा खत्म हो जाता है, ऐसी बीमारी है। चलो मनाया मौर्य का मैसेज देख लो, चलो देख लेते हैं कौन है। लव क्लास बहुत शानदार जी। चलो अगले में और जल्दी से, अगले का बताओ जाना नहीं है बेटा। तुम सोच रहे हो कि हम चले नहीं गए, हम यहीं पर हैं, आ जाओ जल्दी से। अरे इसमें क्या मैंने छारी लिख दिया क्या? बिल्कुल, देखो हम लो एसिडिक है, अम्ली है बाबू, ठीक है। चलो अगले पर आओ, लिखा है आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान यानी शमशान किसको कहते हैं? तो कहोगे स्प्लीन यानी प्लीहा को, स्प्लीन यानी प्लीहा को। बेटा याद रखना क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा स्प्लीन में आरबीसी नष्ट होती है, आरबीसी यहां पर नष्ट हो जाती है बेटा। जो चीज जहां पर नष्ट होगी उसी को तो वहां पर कब्रिस्तान ही तो कहा जाएगा। आरबीसी यहां पर बेटा नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहते हैं। अगला याद कर लेना, यही हमारे बॉडी का ब्लड बैंक है। लिख लो, बॉडी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो बॉडी का ब्लड बैंक बेटा किसको कहते हैं, इसका राइट आंसर बताओ। तो बॉडी का जो ब्लड बैंक है ये कहते हैं बेटा आरबीसी को, ना कह के स्प्लीन को कहा जाता है। ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक है, खून यहाँ पर होगा स्टोर। क्लियर? अगला है, एक बच्चा कह रहा है कम से कम लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सब पैर पड़ते हमारे गुरु जी, सब कुछ गुरु दक्षिणा रूप में लाइक और शेयर करिए मेरे भाई और बहन। बेटा नितेश आप ना कहो बेटा, इनसे ना कहो लाइक शेयर का, करने दो जो मन हो रहा है। भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो भैया जैसे माँ के पेट में कोई गर्भवती महिला है, 3-4 महीना की प्रेग्नेंट लेडी है कोई, तो जैसे जो माँ खाना खा रही होती है, ठीक है, मान लो कोई रूपमती नाम की महिला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, 4 महीने की, तो उसका बेबी पेट में,
उस बेबी को जो माँ खाना खा रही है उसको बेटा भोजन किससे मिल रहा है, उसके प्लेसेंटा से मिल रहा है। प्लेसेंटा ये नाभि से जुड़ा हुआ भाग है, नाभि से। तभी तो देखा होगा जैसे जैसे माँ का महीना पूरा होने लगता है पेट का आकार गोल होता जाता है, नाभि अंदर धंस जाती है। तो ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो खाना माँ खाएगी वो खाना बेटा बच्चे, माँ को जो खाना मिलेगा वो बच्चे तक जाता है। ठीक है, आओ लिखा है गर्भाशय में शिशु को विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। भैया पेट में देखा होगा जो महिला प्रेग्नेंट होती है कैसे पता कर लेते हैं कि इसके पेट में बेबी है, कि वो प्रेग्नेंट है, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। लिखा है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। शिशु के सभी को पता है, जल्दी से आंसर बताओ। मैथ क्लास कल से होगा, ठीक है, चलो जल्दी से आंसर बताओ। तो गर्भाशय में बच्चे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की वजह से बच्चे याद कर लेना पता चल जाता है कि महिला के कितने माह का बेबी पेट में है। लिखा है विटामिन ए विशेषकर किसमें पाया जाता है। विटामिन ए बेटा अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, अंकुरित अनाजों में। तो जब भी पेपर में आए कि अंकुरित अनाजों में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन ए। विटामिन ए विशेषता किसमें, किसके लिए महत्वपूर्ण है, अंकुरित अनाज, और इसी को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं बेटा, क्लियर है। देखो बेटा, अरे यार बच्चे देख रहे हो कि यहां पर ये वास्प आ गई, यानी जिसको आप ततैया कहते हो, ये देखो मेरे मुंह में काट भी लिया इसने। काटा तक बेटा मुंह बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले में आओ, लिखा है विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, बताओ। विटामिन बी वन की कमी से, बी क्या होता है, विटामिन बी वन की कमी से पुरुष में हो जाता है, बताओ। उस रोग को कहते हैं बेटा बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। इसी को कहते हैं चर्म रोग, स्किन डिसीज। और ये किससे फैला, ये फैला बेटा अंकुरित अनाजों से नहीं, पालिशयुक्त अनाजों से। पालिशयुक्त अगर आप चावल खा रहे हो, या पालिशयुक्त बेटा राइस खा रहे हो, या फल से खा रहे हो दालें, उससे बेटा ये होता है। चावल या दालों से बेटा होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला है लैक्टोज किसमें पाया जाता है। तो लैक्टोज नामक शर्करा बेटा ये दूध में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, दूध में, लिख लेना। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है, दूध में। बहुत शानदार तरीके से बता रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अरे यार सूर्यवंशी बाबा जी नाम ले लीजिए, हम क्या काटे तुमको बाबा और दादी पढ़ा है। चलो अगले में आओ, लिखा है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। तो यह किया जाता है बच्चे ओविल्स के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। भाई सब गांव से जुड़े होगे, इसका आंसर तुम लोग सब बता ले जाओगे, सभी लोग बच्चे इसका आंसर बताना, ठीक है। गाय व भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, वो हार्मोन है बेटा आसानी से बताओगे, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
उसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्लियर है। लिखा है रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है बताइए। तो ये इंजेक्शन लगते हैं एस्पिरिन के। लिखा है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। सभी को पता है बेटा 120 दिन। हम चलो बेटा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आरबीसी की संख्या कितनी होती है ब्लड में? आरबीसी की संख्या खून में कितनी होती है ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आरबीसी की संख्या खून में कितनी होती है? आरबीसी की संख्या खून में कितनी होती है ये आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। और हाँ अगर आपको अच्छा लगा हो देखो तो दैया काटियो फिर मर ला रही वहीं तो वीडियो को लाइक कर दो भाई ठीक है लाइक कर दो। चलो लाइक शेयर जरूर करना। वॉइस आ रही है बाबू वॉइस आ रही है। लाइक शेयर जरूर करना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है। चलो सारे के सारे प्रश्न आपको मैंने पढ़ा दिए। क्लास कैसी रही जरूर बताना। चलो जल्दी से लाइक करके जाना सभी लोग। बहुत शानदार। चलिए लाइक जरूर करके जाओ। चलो मिलते हैं फिर कल। तब से आप लोग बेटा पढ़ रहे थे साइंस और साइंस में लेक्चर नंबर था छठा। छठा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। एक बच्चा कह रहा सर आप लोग वादे करते हो। आप लोग नहीं हम नहीं करते वादे। जो करते हो पूरे करते हैं। डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो? अरे यार हम तो ले रहे यार हमें दूसरे से क्या मतलब है। अगला बंदा ले या ना ले। चलो